नमस्कार दोस्तों, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट की पांचवी सुनवाई थी, तो हम बात करेंगे कि पांचवी सुनवाई के अंदर कोर्ट रूम के अंदर क्या क्या हुआ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो पांचवी दिन की सुनवाई 10 बजे से स्टार्ट हुई थी और 5 बजे तक खत्म हो गई थी, और ये सुनवाई हुई थी कल के दिन 17 तारीख को दोस्तों, 17 मई 2017 को। और इसमें जो पर्सनल लॉ बोर्ड के एडवोकेट है वो है कपिल सिब्बल जी और यूसुफ मंचला वी गिरी जी। कल इन्होंने वो जिरह की थी कोर्ट रूम के अंदर, और जो पक्षकार के जो एडवोकेट हैं उनका नाम बदर सईद, उन्होंने भी कल अपना पक्ष रखा था। और जमाते उलमा ई हिंद के एडवोकेट जो राजू रामचंद्रन है, उन्होंने भी बोर्ड की तरफ से ही अपना पक्ष रखा था। तो दोस्तों, और मैं आपको ये भी बता दूं, जो केंद्र की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जी हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा था। और ये जो 17 तारीख को इसकी सुनवाई हुई थी, तो अब इसमें कोर्ट रूम के अंदर कल क्या हुआ, तो कल एक मुद्दा छाया रहा कोर्ट रूम के अंदर, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। हाँ दोस्तों, कल जो कपिल सिब्बल जी ने यह मुद्दा कोर्ट रूम के अंदर उठा दिया, और यह कल छाया रहा, इसके ऊपर जिरह हुई कोर्ट रूम के अंदर, और सबने अपनी अपनी दलीलें दी। तो मैं आपको हम बात करते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर कल क्या क्या हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सिब्बल जी है बोर्ड के वकील, लॉ बोर्ड के वकील, वो कहते हैं कि लोग तीन तलाक भूल रहे हैं, कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो यह मरना सन परंपरा फिर जिंदा हो उठेगी। तो और चीफ जस्टिस जो कहर जी हैं, उन्होंने इस बात क्या कहा, वो क्या महिलाओं के लिए नया निकाहनामा बन सकता है जिसमें वह तीन तलाक को नकार सके। तो इसके बाद जो यूसुफ मुचाला है जो लॉ बोर्ड के वकील है, उन्होंने इस बात को जो जस्टिस केयर जी ने कहा उसके बारे में कहा कि ये एक आपका अच्छा सुझाव है और लॉ बोर्ड इसके ऊपर विचार कर सकती है, और जो बोर्ड है और जो तमाम काजी है इंडिया के अंदर, उन सबको इस बात का सुझाव दे सकती है और अमल करना उनके ऊपर है। तो ये बात कही है यूसुफ मुचाला जो बोर्ड के वकील है। फिर कपिल सिब्बल जी बोलते हैं कि आज अल्पसंख्यकों की हालत उस चिड़िया जैसी हो गई है जिसे गोल्डन ईगल दबोचना चाहता है, और बोर्ड उम्मीद करता है कि चिड़िया को घोंसले तक जो पहुंचाने के लिए कोर्ट इसके लिए न्याय करेगा। तो ये कहना है कपिल सिब्बल जी का। अब इसके बाद जो राजू रामचंद्रन है, जमीयत उलेमा ए हिंद के वकील हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर किसी को मुस्लिम पर्सनल लॉ, तीन तलाक और भव्य विवाह में कुछ कमी नज़र आती है, तो वो सरकार के लोग को जागरूक करें, और जो सेक्युलर कोर्ट द्वारा किसी भी धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं को गलत बताना सही नहीं होगा, और यह सही नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों, तो ये राजू रामचंद्रन जो जमीयत उलेमा के ए हिंद के वकील हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। तो इसके बाद जो वी गिरी जी हैं, वो जो बोर्ड के वकील है, लॉ बोर्ड के वकील है, उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और हदीस पर आधारित है, ये शब्द उन्होंने कहे, और मुस्लिम के लिए ये कुरान खुदा के या अल्लाह के कहे हुए शब्द हैं, यही उनका कानून है। तो ये कहे वी गिरी जी जो लॉ बोर्ड के वकील है। इस पर जो जस्टिस आर एफ नरीमन जी हैं, उन्होंने क्या कहा, वो पूछते हैं कि तीन तलाक में से जो दो होते हैं एहसान और हसन, जिनका जिक्र तो कुरान के अंदर मिलता है, पर जो तीसरा जो तलाक होता है, तलाक ए बिद्दत का जिक्र नहीं है। तो पहले ये जो दो तलाक सुन्नत का हिस्सा है, और जबकि जो तीसरा है वो सुन्नत का हिस्सा नहीं है, जो सुन्नत विरोधी है। तो क्या इसका यही कारण है कि ये सुन्नत विरोधी है, इसलिए इसको मतलब शामिल नहीं किया गया कुरान में? तो ये फिर चीफ जस्टिस बोलते हैं जो पर्सनल लॉ शरीयत कानून 1937 पर आधारित है, इसमें कानूनी तरीके से तलाक का भी प्रावधान है, फिर कोर्ट में तलाक लेने क्यों नहीं जाते।
ये कहना है चीफ जस्टिस जी का। इसके ऊपर जो बदर सईद है जो पक्षकार के वकील हैं वो कहते हैं कि जो तीन तलाक पर्सनल लॉ पर आधारित है इसके तहत कोर्ट के पास कोई विकल्प नहीं शेष है और आपको यह मामला नहीं देखना चाहिए। यह कहना है बदर सईद जो एक पक्षकार के वकील है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कोर्ट रूम में कि कोई कानूनी मामला कोर्ट में आता है तो हम तय करेंगे कि इस पर हमको विचार करना चाहिए या नहीं। केंद्र इस बारे में कहता है कि कोर्ट जो 1400 साल पुरानी परंपराओं को कृपया करके ना देखें, ये देखें कि संविधान कैसे बना हुआ है और परंपरा के नाम पर कोई नर बलि तो नहीं दे सकता जो। और सरकार की जो ये तो दोस्तों कोर्ट रूम की बातें थी जो हुई, तो और सबने अपनी अपनी दलीलें दी। और मैं ये बता दूँ आपको जो सरकार ने भी दलीलें दी है वो किस किस आधार पे दी है। जो उन्होंने कहा है कि जो 25 देश है उसमें ट्रिपल तलाक अब नहीं होते, वो भी तो ये भी तो इस्लाम का हिस्सा है, वो कैसे है। तो ये रोहतगी जी ने कहा है, जो मैं आपको और बताता हूँ थोड़ा विस्तार, जो इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं कहा जा सकता। अगर पर्सनल लॉ बोर्ड तीन तलाक को ऑप्शनल पाप और गलत बताता है तो वह यह इस्लाम का अलग न हो पाने वाला हिस्सा कैसे हो सकता है। ये रोहतगी जी ने कहा है दोस्तों ये शब्द। और सती और जो देवदासी प्रथा है उसको भी कानून बनाकर ख़त्म कर दिया है। ये शब्द रोहतगी जी ने केंद्र की ओर से पक्ष रखा है कि जो बुरी कुप्रथा है उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। और जो रोहतगी जी ने कहा है कि एक समय हिंदुस्तान में सती प्रथा और जो दासी प्रथा और अछूत जैसी बातें होती थी, इस पर बेंच ने कहा क्या इन प्रथाओं को कोर्ट ने ख़त्म किया है, इन्हें कानून बनाकर ख़त्म किया गया। रोहतगी जी ने कहा कि तब कोर्ट विशाखा के मामले में क्यों गई, कोर्ट ने यह नहीं कह सकती कि वो ऐसा है और हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षक है। तो और दूसरी बात, जब उन्होंने अल्पसंख्यक का मामला उठाया था तो उन्होंने कहा था कि ये कपिल सिब्बल जी ने कि ये अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक है, तो दोस्तों ये वो नहीं है। ये खाली मुद्दा जो रोहतगी जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो मुकुल रोहतगी जी है उन्होंने कहा है कि जो ट्रिपल तलाक का मसला है वो मुस्लिम समुदाय के आपस के भीतर की लड़ाई है और मुस्लिम पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर पढ़े लिखे हैं और मुस्लिम महिलाएँ जो उतनी ताकतवर नहीं है और अशिक्षित हैं, ये उनकी बीच की लड़ाई है। तो जो AIMPLB मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑल इंडिया है, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में दो सवाल रखे हैं, तो क्या निकाहनामा के दौरान महिला तीन तलाक को ना कह सकती है, और चीफ जस्टिस GS खेर ने सिब्बल से पूछा क्या ये संभव है कि महिला को निकाह से पहले ये ऑप्शन दिया जाए कि उसकी शादी तीन तलाक के जरिए ख़त्म नहीं होगी, क्या काजियों को निकाह के वक्त इस कंडीशन को शामिल करने के लिए कहा जा सकता है। और मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड के जवाब है एडवोकेट जो यूसुफ हातिम मुचाला ने कहा कि काजियों को बोर्ड की सलाह मानना जरूरी नहीं है। मुचाला ने लखनऊ में 14 अप्रैल 2017 को जो हुए AIMPLB कॉनवेल में जो में पास रेजुलेशन का हवाला भी दिया, इसका कहा है कि तीन तलाक के जरिए निकाह तोड़ने वाला का कम्युनिटी में बायकॉट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दो सुझाव भी दिए दोस्तों, मैं वो आपको बताता हूँ। कल पाँचवें दिन निकाह नामे में एक क्लोज ये जोड़ा जाए जिसके तहत पति तीन तलाक के जरिए तुरंत शादी तोड़ नहीं सकता और हमारी तरफ से कोई निष्कर्ष ना निकले जब तक। और इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील मुचाला ने कहा कि बोर्ड सुझावों को मान सकता है, मानेगा। और बेंच में कितने जज, बेंच में चीफ जस्टिस JS खेर, जस्टिस कुरियर, ये आपको मैंने बताया रखा है दोस्तों। तो ये थी आज की, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि बेंच में कितने जज आप भूल गए। बेंच में चीफ जस्टिस JS खेर, जस्टिस कुरियन जोसफ, जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस यू ललित और जस्टिस अब्दुल नज़ीर शामिल है दोस्तों। तो ये इस जो सुनवाई कर रहे हैं तीन तलाक के बारे में। तो दोस्तों ये जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, ये जो न्यूज़पेपरों में चल रही है कोर्ट रूम की बातें और ये सारी बातें जो भास्कर न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़ प्रकाशित हुई है उसके अनुसार मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।